हमारे सोर्सेस का कहना है कि गावा फिरोजी शहर में ही है, मगर वो कहाँ है और उसका अगला कदम क्या होगा, इसका हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। सर, उसका भाई सिकंदर भी इसी शहर में है। गावा फिरोजी जो भी करेगा सिकंदर की मदद से करेगा। सिकंदर पे हाथ नहीं डाल सकते अर्जुन सिंह, क्योंकि उसका सारा बिजनेस एकदम कानूनी है। हालांकि हम जानते हैं कि सिकंदर का चेहरा गावा फिरोजी की शराफत का नकाब है। फिर हम यहाँ बैठे झक क्यों मार रहे हैं? झक मार रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं ऑफिसर। सर, इनके शहर में ऑफिसर्स की मीटिंग को शायद झक मारना कहते होंगे। हमारे यहाँ ऑफिसर की मीटिंग को झक मारना नहीं कहते। मेरा कहने का मतलब यह था कि अगर हम सब कुछ जानते हुए भी गावा फिरोजी और सिकंदर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो फिर हमें चीफ मिनिस्टर साहब की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर अपने अपने घर चले जाना चाहिए। और जो लोग शादीशुदा हैं वो अपने बीवियों के काम में हाथ बटाएं, और जो लोग नहीं हैं वो अपने लिए बीवियां ढूंढें। पंजाब के पुत्र, तू तो गया। करण सिंह, तुम्हें सीनियर अफसरों के सामने ऐसी भाषा इस्तेमाल करने के लिए महकमे से माफी मांगनी चाहिए। मेरे माफी मांगने से अगर गावा फिरोजी और सिकंदर को पकड़ने में मदद मिल सकती है तो फिर ठीक है। आई एम सॉरी। आप समझते हैं कि गावा फिरोजी और सिकंदर को पकड़ना बच्चों का खेल है? बच्चों का खेल नहीं है, मगर हम भी कोई बच्चे नहीं है। क्या नहीं है हमारे पास? बहादुर सिपाही, हथियार, कानून की ताकत, सरकार की सारी मशीनरी, और क्या चाहिए हमें? सर, इनमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे गावा फिरोजी और सिकंदर पैसे की मदद से खरीद ना सके। सर, हम जितनी मेहनत अपनी नाकामयाबी के बहाने ढूंढने में करते हैं, अगर उतनी ही मेहनत हम अपनी कामयाबी के लिए करें तो हमें बहाने ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। करण सिंह, तुम हद से बाहर जा रहे हो। हद से बाहर जाने की जरूरत है सर? अगर हम लोग हद से बाहर नहीं जाएंगे तो हमारे देश का अमन चैन सरहद के बाहर बैठे गावा फिरोजी जैसे लोगों के हाथों में रहेगा, हमारे हाथों में नहीं। सर, हमें अपनी ड्यूटी कैसे करनी है इसका सबक हमें उन लोगों से लेने की जरूरत नहीं है जो अभी नए आए हैं और जो अभी यहाँ के हालात से वाकिफ भी नहीं है। ड्यूटी क्लर्क करते हैं सर, सिपाही अपनी जान की बाजी लगाते हैं। हालात कोई नए नहीं है और गावा फिरोजी कोई पहला टेररिस्ट नहीं है। किसी भी टेररिस्ट को पकड़ने के लिए ड्यूटी नहीं, जुनून की जरूरत है। जुनून जिसमें चाहे जान भी चली जाए। सर, आप गावा फिरोजी का केस मुझे दीजिए। चंद दिनों में मैं गावा फिरोजी को आपके सामने जिंदा या मुर्दा हाजिर करूंगा। और नहीं कर सके तो आज से गावा फिरोजी केस की फाइल मैं तुम्हें सौंपता हूं। इस केस में अर्जुन सिंह तुम्हारे पार्टनर होंगे। सर, गोली मार दूंगा। ए, ये लड़की जान से जाएगी। जाने दे। मैं आखिरी बार कहता हूँ। मैंने पहली बार ही सुन लिया था। रुक जाओ वरना। मार देगा। तेरे चेहरे पे मुझे मौत दिखाई दे रही है। हाथ क्यों कांप रहे हैं? हथियार दिखाने से कुछ नहीं होगा। तेरे पास सिर्फ 3 रास्ते हैं। पहला, तू लड़की को गोली मार दे, मैं तुझे गोली मार दूंगा। दूसरा, तो अपने आप को मेरे हवाले कर दे, तो मैं तुझे इतना मारूंगा कि तू वैसे ही मर जाएगा। तीसरा, तू यहां से नीचे छलांग मार दे, ज्यादा से ज्यादा तेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। यहां तो ये कर दे।
बाबा कुड़कुंबा। तुमने उस पर गोली क्यों चलाई? ये आपके सीनियर ऑफिसर है अर्जुन सिंह। सर तुम तो उसे पकड़ चुके थे, पता है वो जिंदगी भर चल नहीं पाएगा। मैं भी यही चाहता था कि वो जिंदगी भर याद रखे कि जुर्म करने का अंजाम क्या होता है। This is not the way. ये तरीका गलत है। भाई मेरा तो यही तरीका है। मैं शहर में चोर पुलिस का खेल खेलने नहीं आया। जुर्म वो बीमारी है जिसका इलाज मैं। कल का छोकरा पता नहीं अपने को क्या समझता है, खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। पागल है पागल। मैं पागल हो जाऊंगी निशा, किसी हीरो ने किसी फिल्म में अपनी हीरोइन को भी ऐसे नहीं बचाया जैसे उसने मुझे बचाया। ओके बाबा ओके। He's too much. He's my hero. बड़ा अपने आप को हीरो समझता है। पुलिस में सिर्फ दलेरी से काम नहीं चलता, अक्ल की भी जरूरत पड़ती है। अयो रब्बा, क्या उसमें जरा सी भी अक्ल नहीं है? मेरी अक्ल तो फेल हो गई है निशा। He's so handsome. He's so cool. He is Superman. You too much यार। मैंने सोचा था रिटायरमेंट में कुछ साल बाकी हैं, आराम से कट जाएंगे, पर मुझे नहीं लगता कि रिटायरमेंट तक। मैम कैसी बात कर रहे हैं आप, अभी ना है भाई। अरे बहुत मुश्किल है उसके साथ काम करना, मैं तो फंस गया। फंस तो मैं गई हूँ यार। ओ निशा, he's my dream man. He's my hero. तुझे पता है जब उसने मेरा हाथ पकड़ा ना तो मेरे पूरे जिस्म में बिजली दौड़ गई, ऊपर नीचे आगे पीछे। खुद के तो कोई आगे पीछे है नहीं, मगर दूसरों के तो बीवी बच्चे हैं। खुद भी मरेगा और दूसरों को भी मरवाएगा। ए चुप रहो यार। राहुल ये पापा को क्या हो गया यार? आई थिंक इट्स प्रोफेशनल जेलेसी। हाँ रास्कल, लकी रास्कल, कैसे कैसे। सब्र सिकंदर, सब्र रख। उसकी किस्मत अच्छी थी भाई जो वो बच गया, लेकिन मैं अगली बार से। कभी कभी किस्मत मौत से पहले पहुंच जाती है, लेकिन इस बार मैं किस्मत को भी मौका नहीं दूंगा। मौत इस बार सीधे उसके हाथों में होगी। स्टॉप जी, वो सीएम साहब का फोन रह गया। एक्सक्यूज मी, आपका फोन। ओह थैंक यू। चीफ मिनिस्टर, सिक्योरिटी में कौन कौन थे? हम पांच लोग थे सर, और हमारा एक आदमी सीएम साहब की कार में ड्राइवर के साथ बैठा था जो ब्लास्ट में मारा गया। ये सब कैसे हुआ? यही तो समझ में नहीं आया सर, हमारी तरफ से कोई ढील नहीं थी। प्रशांत सर, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं सबको राउंड अप करो और सबका बयान लो। यस सर। पूछताछ करके हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अर्जुन सिंह जी? करने वाला तो अपना काम करके चला गया, तो आपके सवालों का जवाब देने के लिए थोड़ी यहाँ बैठा होगा। देखो ये तुम्हारा शहर नहीं, मुंबई है। यहाँ हर काम कायदे कानून से होता है, फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है मुजरिमों से ज्यादा पुलिस को, इसलिए रफ्तार इतनी धीमी है। रफ्तार का पता तो उस दिन चलता है बरखुरदार, जब मालूम पड़ता है कि जिससे पूछताछ कर रहे हो वो किसी वीआईपी का साला है। यहाँ तो अगर एक कांस्टेबल से गलती हो जाए तो पुलिस कमिश्नर का तबादला हो जाता है। मेरे तरीके थोड़े अलग हैं। अलग क्यों हैं? क्यों, आपने क्या कोई कानून की दूसरी किताबें पढ़ी हुई हैं? किताबें तो वही पढ़ी हैं, मगर मैं मतलब अपना निकालता हूँ। मैं चोर सिपाही के खेल में यकीन नहीं करता। मैं मुजरिम को पकड़ता हूँ, जंगल में छोड़ देता हूँ। मुजरिम को जंगल में भागने की आज़ादी है और मुझे शूट करने की। यानी फेक एनकाउंटर? एनकाउंटर फेक होता है, मगर मेरी गोलियां नहीं। तो तुम उन्हें मार डालते हो? कैंसर को खत्म करना हो
तो उनके कीड़ों को मारना पड़ता है। अगर हम उन कीड़ों की सेहत का ख्याल रखेंगे तो मरीज मर जाएगा। Got it?